चीनी मिल की शुरू होने के खबर से किसानों के बीच उत्साह। दो दशक बाद फिर से दरभंगा की हवाओं में फिर से चीनी की मिठास घुलने वाली है, क्योंकि तिरहुत इंडस्ट्रीज ने रयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दो दशक के बाद फिर से दरभंगा की हवा में फिर से चीनी की मिठास घुलने वाली है, क्योंकि तिरहुत इंडस्ट्रीज ने रयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी के एमडी प्रदीप कुमार चौधरी व फैक्ट्री लगाने वाली पूना की हाईटेक इंजीनियर कॉरपोरेशन कंपनी के सीएमडी संजय औंटी रयाम चीनी मिल पहुंचकर फैक्ट्री के नक्शे का अवलोकन व स्थल का मुआयना करते हुए कहा कि नए साल के पहले महीने से निर्माण कार्य शुरू होगा तथा पहली दिसंबर 2018 से चीनी मिल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 500 TCB क्षमता की चीनी मिल के साथ साथ 28 मेगावाट बिजली विद्युत उत्पादन व 60 KLP इन इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। चीनी मिल हमारी अपनी कुछ समस्याएं थी जिसके लिए चीनी मिल लगाने में देर हुई है, लेकिन अब हम उस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि अब चीनी मिल लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। जी, कब से शुरू हो जाएगा काम और कितने दिनों में हो जाएगा? सर, 1 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। हाईटेक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन पूरा टर्नकी पे लिए हुए हैं पूरा प्रोजेक्ट, इसको सिर्फ उन्होंने लैंड देना है, मुझे कंस्ट्रक्शन वो करेंगे, बाकी पूरी मशीनरी हम खुद सप्लाई करेंगे और इधर लगा के चालू करके दे देंगे। ये टोटल 28 मेगावाट का जनरेशन है उसका। अच्छा, 28 आप ही लगाएंगे? पूरा हम लगाएंगे। चीनी मिल की फिर से चालू होने की खबर से मिथिलांचलों के किसानों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है और उनका कहना है कि हम लोग फिर से धान गेहूं की खेती को छोड़कर गन्ने की खेती शुरू करेंगे। मिल बंद होने से तो खेती हमसे एकदम साफे छोड़ देलो। अब जना मिल बने के तैयार भ रहल छै, जते धान गहूम छोड़ करके हम सब ऊख के खेती करबै, परता जे खेत छै वैसे हम सब जे है से ऊख की खेती करबे, जे फैक्ट्री चलते जे हमरा नगद रुपया मिलत। आपको बताते चलूं कि इस चीनी मिल की स्थापना 1914 में हुई थी और 1973 में राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण किया था। देश व विदेश में अच्छी किस्म की चीनी उत्पादन के लिए मशहूर इस फैक्ट्री को 1995 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि पुराने मॉडल की जर्जर मशीनों के कारण इस चीनी मिल का उत्पादन क्षमता कम हो गई थी। लेकिन मिल बंद होने के बाद तत्कालीन NDA सरकार ने इसे चालू की वकायदा शुरू की थी और 15 अप्रैल 2010 को तत्कालीन OS गणपति मिश्र ने तिरहुत इंडस्ट्रीज को मिल की चाबी कंपनी को सौंपी थी। तब कंपनी के MD ने 2011 में मिल चालू करने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।